जिंदगी काफी बदली है। और अभी एस कुमार डॉक्टर सर, आपने जो अभी एक वीडियो दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। आपने वो जो वीडियो जो दिखाया, मेरे ख्याल से मैं सोच रहा था कि उसके बाद में शायद मेरे को बात करने की जरूरत भी नहीं सर। अगर हम लोग उसको 5 मिनट सुन लेना रियली दिल से, तो वो सारी जर्नी एक लीडर की है सर। जो उसमें बोला गया वो सब कुछ मेरे को बार बार वो बातें एहसास हो रहा था। मेरे को अपने टाइम का वो जो बीत गया टाइम, वो बातें मुझे याद आ रही रियली सर। थैंक यू सो मच बिशम चौहान जी, थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय टीम। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे फिर से एक मौका दिया। और डॉक्टर एस कुमार जी, आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू विकास गौतम जी। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल स्टार्ट करना चाहूंगा। आज आपका इंटरव्यू सेशन है जो कि हमारे बहुत पुरानी और स्टार्टिंग परंपरा थी, और एक लगातार हमने बहुत सारे लीडर्स के लिए इंटरव्यू मैनेज किया था WTI टीम में, और जी वो ऐसा दौर था जिसको देखकर बहुत सारे YouTube चैनल वाले भी इस पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया। तो वापस ये करी हम स्टार्ट करने करने जा रहे हैं, आपसे ही स्टार्ट हमने करी है वापस। तो पहला सवाल है आपके सामने विकास जी, कि आपकी लाइफ में सर, एटॉमी कैसे आई? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा आज से 10 से 12 साल पुराना नाता है, रिश्ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरे एक मित्र के माध्यम से मेरे पास आई थी, और मैंने शुरुआत किसी और कंपनी से की थी। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे दिल से बता रहा हूँ मैं आज, कि मेरी नज़र में वो सबसे बेकार काम मैं मानता था। मुझे नहीं पता था कि इस काम की सच्चाई क्या है। हम लोग बाहर से ही इसके बारे में बातें कर देते थे, और मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बेकार काम है। लेकिन जब मैं जाने अनजाने में मेरे मित्र मिस्टर विनोद जांगिड़ा, और उन्होंने मुझे प्यार से नहीं लात घूसों से नेटवर्क मार्केटिंग समझाया, यहाँ से गरेवान पकड़ के वो मुझे घेंस के ले गए, और धीरे धीरे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया। और जब मैंने जाके देखा तो मेरी ये बात समझ में आ गई थी कि यार मुझे नहीं, जब एक जॉब करने वाले व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन इस बिजनेस को कर रहा है, तो मुझे तो आवश्यकता है ही है। और वहां से मेरी जर्नी शुरुआत हुई, और नेटवर्क मार्केटिंग दिल से किया। और कहीं ना कहीं प्रोफाइल को मैं नहीं जानता उस दौर में कि प्रोफाइल कोई चीज होती है, और कहते हैं घोड़े और गधे में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मुझे नहीं पता था। कुछ साल वर्किंग किया, किसी कारणवश इंडियन कंपनी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाई, तो इसलिए वो बंद हो गई। और वहां से वापस जीरो आ गए, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन अंतर आत्मा के यहाँ दिल में वो चीज हमेशा जीवित रही कि नेटवर्क की पावर में जान गया था। मैं जान चुका था कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा अगर मैं कर सकता हूँ तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक मौके की तलाश थी, एक कहीं ना कहीं कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। तो कई सालों के बाद, हालांकि मैंने छोटी मोटी कंपनियों को काफी आटा डाला, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वापस वहीं आए। अटोमी जो है मेरे को मिस्टर विकास पाठक जी, मेरे दोस्त, जिनके माध्यम से ये मुझे मिली, करीब 22-23 महीने पहले मिली। और वैसे ही उन्होंने मुझसे आईडी मांगी, सब आपसे भी सभी से मांगी, और दे दिया मैंने। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सीरियस इस बिजनेस को लेकर नहीं था, लेकिन 1% मेरे दिल दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं वर्किंग कर सकूंगा, कर पाऊंगा। मुझे एक ऐसी जमीन की तलाश थी जहां पर खुदाई मुझे कितनी भी करनी पड़े, पर नीचे पानी जो है वो मीठा निकले। हम लोगों ने खुदाई तो की थी, कभी 10 फुट यहाँ किया, 5 फुट यहाँ किया, लगातार वर्किंग नहीं कर पाए। लेकिन जहां पर 100 फुट खुदाई कर पाए थे, वहां पर पानी नहीं निकला। वो अपनी तकदीर की बात, अपन ने अपना क्रम किया था। लेकिन अटोमी का जब प्रोफाइल देखा, आप सभी लोग जानते हैं, अटोमी का प्लान देखा, अटोमी के प्रोडक्ट के बारे में जान पाया, तो वहां से मेरे अंदर एक चीज जरूर हो गई थी, मेरे अंदर से ये आवाज थी कि विकास गौतम, जिंदगी ने तुझे एक मौका दे दिया है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब की बार भागीरथ जो गंगा को लेके आया, तो वो चीज मुझे याद आ रही थी, अब की बार तो सक्सेस को लाना है, प्यार से नहीं घसीट के लाएंगे, लाएंगे जरूर, पीछे नहीं हटना था मेरे को। मैं पर्सनली बता दूं, मुझे पीछे नहीं हटना था। मैं एक बार सोचता हूँ, बार बार किसी चीज को नहीं सोचता हूँ, और मुझे ये समझ में आ गया, और वहां से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन एक चैलेंज आया, मैं आपको सभी को बता दूं, मैं बिल्कुल ही एक जमीनी आदमी हूँ, नॉर्मली छोटी सी इनकम पे मैं अपना जीवन जी रहा, 30-40 हज़ार रुपये नॉर्मली, तो मैंने पहले भी बताया।
लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरी सोच हमेशा बड़ी रही, कंडीशन चाहे कुछ भी रही, मैंने कभी भी कंडीशन को बड़ा नहीं माना। क्योंकि कहते हैं कि हालात को अगर हम लोग मान लेते हैं ना, तो कामयाबी कभी नजर नहीं आती। या तो हालात देख लो या कामयाबी देख लो। मुझे मेरी कामयाबी दिखाई देगी कि अगर मैं साल डेढ़ साल दो साल अगर मैं कुछ कर जाऊं, अगर मैं, मेरे को ये विश्वास अपने ऊपर जरूर रहा है कि एक बार अगर मैं ठान लूंगा तो फिर मैं रुकने वाला तो नहीं। विषम जी से मेरी बहुत सी बातें होती थी, सर आपसे भी बहुत बातें होती थी, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। अपने को एक बात का पता था, अपन अपना काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे। परमपिता परमात्मा कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता है, मेरी कैसे रख लेगा। जिंदगी में एक मौका था, जिंदगी ने कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं पर्सनली बताऊं, जिंदगी ये चाहती कुछ और थी, लेकिन जिंदगी से आमने सामने की लड़ाई हो चुकी थी। जिंदगी ने क्लियर कर दिया था कि तुमको मैं शायद वहां तक नहीं जाने दूंगा, वो शायद परमात्मा का एक इम्तिहान था। लेकिन एटॉमिक के माध्यम से मेरे सपने जागृत हुए और मैंने अपना काम शुरू किया। कितने उतार चढ़ाव आए कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कामयाबी बहुत बड़ी है। छोटी कामयाबी नहीं थी ये, बहुत बड़ी कामयाबी, एक ऐसी कामयाबी, एक ऐसी सक्सेस जो मेरे खानदान में, मैं क्लियर बता रहा हूँ, किसी ने ना लियो, किसी ने ना लियो। मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं सर जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन सकती है सर, कहीं ना कहीं आगे चल के मेरे बच्चे इस बात को जानेंगे। अभी धीरे धीरे जानना शुरू है कि पापा ने कुछ बड़ा काम किया है। आज नहीं, साल दो साल और तीन साल पांच साल के बाद में हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। एक ये बात समझ में आ रही थी सर, और एटॉमी जो मुझे मिली, मैं उस शख्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ, मिस्टर विकास पाठक जी का, जिसके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा चैलेंज बहुत आया कि कंपनी शुरू नहीं हो रही थी, आप सभी लोग उसमें साथी हैं हमारे, शुरुआत में आप लोगों ने भी की थी। लेकिन जैसे तैसे परमपिता परमात्मा ने एक विश्वास दिया था कि बेटा कर जा, वो इम्तिहान था। जैसे जैसे चैलेंज आ रहे थे ना, ये बात भी मुझे ऐसा थी कि बड़ी कामयाबी आ रही है, बड़ी कामयाबी आ रही है। मेरे साथ बहुत से लोग चले थे जिनको छोटी सी बात लगी कि क्या पता कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमको विश्वास था। दुनिया में एक ही चीज है, वो है भरोसा। अगर आपको अपार विश्वास है, भरोसा है, मैं गारंटी देता हूँ सामने से वो चीज भी प्रकट हो जाती है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरुआत हुई और मुझे बिलीव था, 100% बिलीव था कि मैं, जैसे कंपनी लॉन्च होगी कहीं ना कहीं हम लोग कामयाबी पर पड़ जाएंगे। अभी तो सिर्फ छोटी सी झांकी है, पिक्चर बहुत बड़ी अभी बाकी। और सर मेरी शुरुआत हुई और आज एटॉमिक के माध्यम से सर मेरी जिंदगी और कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। एक 30,000 रुपए कमाने वाला इंसान और अगर 1.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाए तो सर बहुत बड़ी बात। हालांकि लोग 20 लाख 50 लाख कमाते हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी, जमीनी आदमी हूँ सर, मेरी जिंदगी बदल रही सर। तो एटॉमी ने सर मेरी और मेरे परिवार की लाइफ को चेंज किया, प्लस मेरे बहुत से साथी जिनकी जिंदगी बदल रही है। जिंदगी ने एक मौका दिया मुझे कुछ बड़ा करने का, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हर हाल में हर कीमत पर सक्सेस को लाना है और सक्सेस जक मार के आएगी, क्योंकि हम लोग तैयार हैं सर, और हमने माना नहीं, हमने ठान लिया सर। राइट सर जी, थैंक यू सर। एक चीज बताएं विकास गौतम जी, ऑलरेडी आप ऑटो सेल्स मास्टर हैं और ऑटो सेल्स मास्टर अपने आप में एटमी में बहुत बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए अब डिजाइन है इंपीरियल मास्टर तक पहुंचने का। और ऑटो सेल्स मास्टर बनना ही इस बात का स्टैंप लगा देती है कि यस यू आर बिकमिंग इंपीरियल मास्टर इन फ्यूचर। तो अब एक बात आप मुझे बताएं कि ऑटो सेल्स मास्टर आप हैं तो ऑब्वियसली टीम आपके लेफ्ट और राइट में बहुत अच्छी है, तो कुछ चीजें आप बताएं कि लोगों को आपने कैसे ऐड किया, कैसे लोगों को आप कंपनी के साथ आपने एड ऑन किया, कैसे आपने उसको टाइप किया, आप बताएं प्लीज। देखिए सर, सबसे बड़ी बात शुरुआत ये होती है, क्या हमारा विजन क्लियर है, क्या मेरा विजन क्लियर है क्या। अगर कहीं ना कहीं देखिए हम लोग, मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारा विजन क्लियर है तो हम सामने वाले को इन्वॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके बीच में सर रिजेक्शन हर इंसान को मिले हैं, जितने भी लीडर हैं सबको रिजेक्शन मिले हैं, मुझे भी रिजेक्शन मिले हैं, ऐसा नहीं कहूंगा। शुरुआत कहीं ना कहीं देखिए कि लीडर जो होता है वो फ्यूचर को सेल करता है, भविष्य को बेचता है। आपकी बातों में वो सच्चाई झलकनी चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले। अगर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती, उसका दो कारण होता है सर। पहला कारण, या तो हम समझा नहीं पाते, ऐसा होता है कि हम समझा नहीं पाते। दूसरा होता है वो समझना नहीं चाहते। लेकिन हमें वो चाहिए जो समझ सके, जो बात को मान सके,
अगर हम लगातार प्रयास करेंगे, सर देखिए बार बार किसी काम को प्रयास, कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ अगर हम बढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ लोग जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई डॉक्टर एस कुमार, कोई विषम चौहान, कोई विकास गौतम, कोई अरुण मीना, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन वो भीड़ से निकालने पड़ेंगे आपको। और उस भीड़ से निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। अगर बाल भर भी शक है, देखिए सर मैं बताता हूं कि मैंने कभी शक नहीं किया, मुझे यकीन था। अगर मुझे यकीन था कि मैं जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूं तो लोगों से बात करेंगे, रिजेक्शन आएंगे, आने चाहिए। रिजेक्शन अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप क्लास निकल के आएगी। तो लोग, बहुत लोग आए चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लोग आएंगे। एक किसान है सर, एक किसान देखिए 20-50 साल से खेती करता है, और लोग बोलते क्या आपको लोगों की फर्क नहीं है कि कौन लोग काम करेंगे कौन लोग नहीं करेंगे? मैं जानना चाहता हूं क्या किसान जो होता है, जो हमेशा फसल बोता है, तो वो बीज डालता है सर, वो बीज डालता है, कौन सा बीज लगेगा कौन सा नहीं लगेगा क्या सर को नहीं पता होता है? बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने काम को शिद्दत से करना है, शिद्दत से करना है। अगर शिद्दत से हम किसी काम को करेंगे सर, तो गारंटी है लोग आएंगे सर। देखिए जीतेगा विश्वास, बिलीव जीतेगा, लोगों को जीतना है सर। अगर हम लोगों को बाल भर भी थोड़ा सा भी शक हो जाता, रिजेक्शन उस समय मिले तो उस दौर में 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम बनी, लोग छोड़ के चले गए, अगर उस समय हम लोग बैठ जाते तो क्या यहां होते? नहीं होते सर। कामयाबी बड़ी है, रिजेक्शन आएंगे, आप अपना काम शिद्दत से कीजिए पर अपने ऊपर शक मत कीजिए। किसी पे भरोसा करें या ना करें, अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर हमको अपने ऊपर यकीन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, सबको यकीन करना पड़ेगा सर, हर हाल में करना पड़ेगा। यस यस, तो सर रिजेक्शन आएंगे, लगातार विश्वास ताकत, ये जीत विश्वास की। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर आपको वाकई में खुद पे विश्वास है तो लोगों को ऐड करना या लोगों को ऐड होना बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर आप मैग्नेट हैं तो बहुत सारे मैग्नेट और बहुत सारे लोहे अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो एग्जैक्टली विकास गौतम जी ने यही बोला कि आप पे अगर विश्वास है तो लोग डेफिनेटली आपसे ऐड होते चले जाएंगे। यस थैंक यू। तो एक बात बताएं सर, कोई ना कोई बात तो डेफिनेटली है, ऑटो सेल्स मास्टर इतने कम समय में आप बने, कोई ना कोई राज आपने छुपा तो रखा है। मैं बोलूं सर? यस ओके। देखिए राज की बात, देखिए मैं, आप जानते हैं डॉक्टर साहब, आपसे मेरी बहुत बातें होती है, अरुण जी से भी होती है, बहुत से लोगों से बहुत ज्यादा बात होती है। देखिए मैं आपने राज तो सिर्फ मैं राज नहीं मानूंगा, मैं ऐसा मानता हूं कि शिद्दत से, अगर हृदय से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम लोग अपनी टीम से प्यार नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो मैं ये मान के चलूंगा सर कि लोगों के साथ, देखिए क्या होता, कंडीशन ये होती है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, हम चाहते हैं कि टीम हम पे भरोसा करें, हम चाहते हैं कि टीम हमारा साथ दे। लेकिन बड़ा खेल अगर हमको खेलना है तो हमारी टीम को लगना चाहिए कि हमारा लीडर हमारे साथ, हमारा लीडर हमारे साथ है, हर हाल में साथ है, हर कीमत पे। आप क्या है, मैं क्या हूं, टीम से पता कीजिए, टीम बताएगी कि कुछ भी हो जाए हमारा लीडर हमारे साथ है। जो हम लोगों से चाहते हैं उससे ज्यादा हम लोगों को देना शुरू कर दे सर। मैं चाहता हूं आपसे मेरी इज्जत, मेरे को इज्जत मिले, मैं कोशिश करूं कि आपको मैं उससे ज्यादा इज्जत दूं सर। जब लोगों से आप दिल से जुड़ जाएंगे सर, हृदय से जुड़ जाएंगे सर, तो लोग, जब बारी आपकी आएगी, जब कामयाबी की टाइम आपका आएगा, तो वही टीम आपकी जान की बाजी लगा देगी और आपको ऑटो सेल्स मास्टर का एंट्री मास्टर लेके जाएगी, वही टीम लेके जाएगी। टीम सब कुछ है सर, टीम है तो हम हैं, लेकिन उस टीम को बनाने के लिए हमारी पहली फाइट किससे होगी? हमेशा कुदरत से होती है। हम लोग डर जाते हैं, मैं भी डर जाता था, ऐसी बात नहीं क्या पता लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पहली लड़ाई 20-50 रुपए का मटका लेने के लिए, 100 रुपए का मटका लेने के लिए बजा के देखते हैं हम लोग। कभी भी देख रहे किसी भी उस पर जाके सर, आपने खरीदा होगा कभी, बजा के देखते हैं। 2 लाख रुपए महीने का चाहिए सर, 2 लाख महीने का चाहिए, इंपीरियल मास्टर हमको बनना है, 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना है, 50 लाख रुपए कमाना है, तो क्या ऐसा संभव है कि आपका इम्तिहान ना हो? आपका इम्तिहान भी होगा, सब कुछ होगा, और सबसे बड़ी बात है ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए शिद्दत से टीम को चाहना पड़ेगा। एक लीडर को अपने, देखिए एक लीडर को अपने परिवार
से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत अपनी टीम से करनी ही पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। टीम के दिल में लीडर को बसना चाहिए, लीडर के बगैर टीम रह नहीं पाए, नहीं रह पाए। जिस दिन लीडर ने अपने दिल टीम के दिल पर राज करना शुरू कर दिया सर, बहुत बड़ी कामयाबी, सुपर कामयाबी मिल के आए निकल के आए। लेकिन सारा खेल है, हमें जो चाहिए वो हमको देना पड़ेगा सर, जो चाहिए वो दे दीजिए, दिल खोल के दे दीजिए लोगों से। ये बिजनेस है क्या? ये बिजनेस दिल खोल के मोहब्बत करने का, हृदय से चाहत करने का, लोगों की दिल से इज्जत करने का। जिस दिन लोगों को लग गया कि सामने वाला हमको दिल से चाहता है, दिल से हमारी इज्जत करता है, डंके की चोट पे बोलता हूं सर, कोई भी साथी हमको छोड़ के नहीं जा सकता है, हालात कुछ भी हो जाओ, हर हाल में हर कीमत पर हमारी टीम हमारे साथ होगी, तो कामयाबी तो सर झक मार के आएगी पीछे। यस यस, थैंक यू। कामयाबी तो झक मार के आएगी, डेफिनेटली झक मार के आएगी। और आप जैसा अगर ऑटो सेल्स मास्टर हमारे साथ है तो डेफिनेटली जाएगी, काम आएगी आएगी। यस yes. तो डायरेक्ट सेलिंग विकास जी, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग जो है 2025 तक अपने बूम पर होगी। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, बहुत भयंकर लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है। और एक कमाल की बात है, जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत नेगेटिव कहते हैं, उसी इंडस्ट्री में सबसे मैक्सिमम ज्वाइनिंग आ रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक अपने बूम पर होगी, अपने एक्सट्रीम लेवल पे होगी। तो आप मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन और डाउनलाइन या किसी से भी जो हमारे मेंबर्स नहीं भी हैं, उनसे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया बात। दुनिया में एक ही चीज चलती है, चलनी भी चाहिए, वो है इंसान का व्यवहार। जैसा होगा व्यवहार वैसा होगा प्रचार, और जैसा होगा प्रचार वैसा होगा व्यवहार। अगर दुनिया में, मैं अपने ऊपर लूंगा सर, किसी के ऊपर नहीं बोलूंगा, कुछ शब्द मेरे थोड़े बहुत आजू बाजू निकल जाते हैं, माफ करना, सॉरी। थोड़ा सा हरियाणा का आदमी हूँ, निकल जाता है, निकल जाता है। देखिए, सामने वाले को एक बार नहीं, दो बार या चार बार में हमारा व्यवहार समझ में आता है, सामने वाला हम कैसे लोग। और व्यवहार, अगर मान लीजिए मेरा व्यवहार गंदा है, तो मेरा गंदा ही प्रचार भी, और जब गंदा प्रचार होगा तो रिजल्ट भी गंदे आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं सर, आज नेटवर्क मार्केटिंग में उनकी नॉलेज अपार है, बहुत अपार नॉलेज मानता हूं मैं, माफ करना, गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन कई बार देखा कि व्यवहार कुछ गलत पाया। आज सुबह मेरी आपसे बात भी हुई थी, और उस व्यवहार, छोटे से गलत व्यवहार की वजह से सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। क्योंकि ये धंधा है विश्वास, बिलीव का। आपको देखिए, आपका परिवार जितना नहीं मानता, उससे ज्यादा आपकी टीम मानती, मैंने देखा है। शायद मेरा भाई मेरी बात को काट जाए, इग्नोर कर जाए, हो सकता है मेरे बच्चे काट जाए, लेकिन टीम, अरुण मीना जी मेरी बात को नहीं काट सकते, मैं नहीं काट सकता। हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट इतना करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार होएगा तो रिश्ते मजबूत होंगे, और रिश्ते मजबूत होंगे तो सारी चीज मजबूत होगी, हर चीज मजबूत होगी। अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है सर। पहली चीज, अच्छी तरीके से लोगों की इज्जत करना हमको, और कभी किसी से जो कमिटमेंट हम लोग कर दे सकते, कमिटमेंट कुछ भी कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता, अगर मेरे को आज मीटिंग करनी थी और किसी कारण विवश अगर मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, तो मेरा फर्ज था कि मैं सूचना देता। जो भी कमिटमेंट करें हम, कुछ भी करें, और उस कमिटमेंट को पूरा करने में अगर हमारा पर्सनल लॉस भी हो जाए, तो हमें लॉस खाना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सामने वाले को लगना पीआरएस ने जो बात कह दी वो खरी बात है, वो सच्चाई है। ये लोगों में फीलिंग आनी चाहिए। बात नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है सर, बात जीवन की भी है। बहुत से लोगों को देखा मैंने कि जो बात कह देते हैं वो खरा उतरते हैं। पुराने टाइम में मैंने बहुत से लोगों को देखा, यार ये आदमी जुबान का पक्का है। लोगों को पर नोट भरने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है, और लोगों को जुबान पे पैसा घर देके चले जाते हैं, वो उनका व्यवहार होता है, व्यवहार होता है उनका, है ना। तो इतना ही मैं कहूंगा कि लोगों से अच्छा तरीके से मेलजोल बना के रखें, और कभी छोटी मोटी गलती हो जाए तो ठीक है, अपनी गलती हम मान लें, ना कि सामने वाला कभी गलती माने, और वो झुके या ना झुके हम झुक जाए। कहते हैं कि ना झुकना मुर्दों की शान है, जो झुक जाए वो इंसान। झुके रहेंगे तो लोग हमसे प्यार करेंगे। देखिए, आप देख लेना, कभी भी महसूस करना कि जो आदमी बड़ा बन के चला है, क्या कभी उससे किसी ने प्यार किया है? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया सर। ये सच्चाई है, हो सकता है उसके सामने इज्जत मिल जाए, लेकिन जो झुक के चला है,
झुकना दो प्रकार का होता है, तो कोई आदमी गलती कर दे, बहुत गलत काम कर दे तो झुकना पड़ जाए, पर एक इंसान गलती ना करे वो फिर भी गलती मान ले और फिर भी वो कहे कोई बात नहीं यार, तो लोग उससे मोहब्बत करने लग जाए। बिल्कुल 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 ठीक गौतम जी। और सबको पता है कि जो जो भी पेड़ होते हैं, जो फलों से लदा होता है, वो हमेशा झुक जाता है, झुक जाता है बिल्कुल। तो एक बात और बताएं आप विकास गौतम जी, जब टीम से हम बात करते हैं तो उस समय क्या ध्यान रखें कि उनको क्या फीलिंग आनी चाहिए, जिस दौरान हम उनसे बात करें तो क्या फीलिंग आनी चाहिए, उस समय उन्हें क्या फील होना चाहिए हमसे बात करने के टाइम? अपनापन, अपनापन। टीम को सिर्फ एक ही बात फील होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि अपना यार, ये इंसान जो है अपना है, उसको लगना चाहिए। देखिए सर, खेल है लगने, अंदर से कुछ लग जाए किसी को। बहुत से लोग ऐसे मिले सर, जब हम लोग बात करते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, नहीं लगता अच्छा, तो नहीं लगता, वो नहीं लगा पाया मैं, या वो लगाना नहीं चाहता। जब तक सामने वाले व्यक्ति से बात करें तो हमारी बातें उसको देखो छू जाए, और बात करते वक्त हमको ये सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखना चाहिए ध्यान कि हमको अपनी बजाय उसके बारे में बात करना। जब क्या होता है सर, देखो जब हर इंसान में क्वालिटी होती है, कोई अच्छा बोलता है, कोई सुंदर दिखता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, उसकी कोई ना कोई बात हमको पकड़ में आनी चाहिए। और अगर हम उसके बारे में ही बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे तो देखो अच्छा सुनना सबको अच्छा लगता है, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, लगती सर। मान लीजिए हम लोग झूठी प्रशंसा कर दे, सेल्स की दुनिया में लोग झूठी भी प्रशंसा कर जाते हैं, ऐसा भी सच्चाई है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, अगर उसके बारे में बोले सर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो ये शब्दों की बड़ी ताकत है सर। शब्दों से लोग अपने बनते, शब्दों से लोगों की दूरियां भी बनती है। तो उसको एक बार अच्छा लगना चाहिए, उसको एक बार हमारी बातों में अच्छा फील हो गया, गुड फील हो गया, वो अपने से दोबारा बात करें। और वो तब संभव है जब हम अपनी बात ना करके उसके बारे में बात करें। हम अपने बारे में बोलते चले जाएं, मैं ये, मैं फलाना, मैं दिनका, और उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति आपने इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, मैं उसके बारे में बात करूं, उसके बारे में अच्छा बोलूं, अच्छा फील करवाऊंगा, गारंटी है उसको अच्छा लगेगा। और चलते चलते हमेशा ये जरूर कहना चाहिए कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर यही बात हम दो बार और बोलते, दो बार, एक बार तो बोल दिया हमने सर अरुण जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये बात दोबारा भी बोल सर रियली आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा, वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा सर, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। एक बार नहीं, बार बार बोले, दिल खोल के बोले। दुनिया जीतने चले सर, पैसा जीतने नहीं चले हम लोगों को, दिलों को जीतने चले। हमारा धंधा है लोगों का, इंसानों का, इंसान से इंसान को मिलाने का, जोड़ने का। लोग कहते हैं तुम जोड़ने का धंधा करते, सर हम बोलते हैं जोड़ने का धंधा करते पर तोड़ने का तो नहीं करते। अरे जो रिश्ते कोई एक दूसरे को जानते नहीं थे तो मिलवा दिया, कोई कोई अमेरिका में बैठा, कोई इंडिया में बैठा, कोई लेना देना नहीं, फिर भी आज हम लोग अच्छे संबंध बन चुके हमारे। हम धंधा करते हैं, वो धंधा करते हैं जो कोई नहीं करता है, इंसान से इंसान को जोड़ने का धंधा करते हैं। दिल से इज्जत करेंगे, खुल के प्यार करेंगे, मान सम्मान करेंगे, और उसके लिए हमेशा अच्छा बोलेंगे। और कहते हैं सर ये प्रैक्टिकल मेरी देखी हुई बातें सर, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर होने के बाद दिमाग इतना खराब हो चुका था कि मुंह से गलत ही निकलता था, गलत निकलता था तो गलत भोगते थे, ये सच्चाई है। आज हम लोग खुश क्यों हैं डॉक्टर साहब, हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हम अच्छा बोलते हैं। हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही फील होगा सर। मान लीजिए हम किसी को गाली देंगे तो बुरा तो हमको भी लगेगा, किसी की बुराई करेंगे तो बुरा हमको लगेगा, लेकिन अच्छा ही बोलेंगे ना। तो दिल खोल के मैं यही कहूंगा कि सामने वाले को अच्छा फील करवाना है तो उसके बारे में बात करो, बस अपने बारे में नहीं। अपन बड़े हैं कि छोटे, कोई बात नहीं, वो अच्छा है वो। यस यस यस, बिल्कुल 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 सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली। विकास गौतम जी एक चीज बताएं, नेटवर्क कंपनीज जो होती हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उसमें एक फंडा चलता है, अपलाइन और डाउनलाइन का एक फंडा चलता है। तो ये अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता है वो कैसा लगता है आपको, कैसा रिश्ता होना चाहिए दोनों के बीच में, या क्या रिश्ता है इनके बीच में? जी यस सर, अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता मैं आपको मेरे पूर्व बता देता हूँ। जिनसे मैंने ये बिजनेस सीखा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज भी वो लोग किसी भी कंपनी में हो,
मैं चरण स्पर्श करता हूँ उनको, दो कहता हूँ मैं बड़ा मानता हूँ उनकी देन, वो गुरु है सर। देखिए इतिहास गवाह है सर, अपलाइन डाउनलाइन का मैं बताऊँ, कई कई रिश्ते होते हैं, एक नहीं होता है। मेरा तो पहले मैं बता दूं कि मेरा रिश्ता है जिनसे मैंने कुछ सीखा है, मेरे लिए वो गुरु है, मैं मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जब भी मुझे मिलेंगे मेरे को अच्छा लगता है उनको, उनके चरण स्पर्श करना मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि इन लोगों ने मुझे सिखाया। और उस दौर में अब तो काफी कुछ चेंज हो गया है डॉक्टर साहब की, और मैं बता दूं अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता जो होता है मेरे हिसाब से एक अच्छे दोस्त की तरह भी होना चाहिए, दोस्त मित्र। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा गैप भी बना देंगे तो अगर बड़ा साबित मैं कर जाऊंगा अपने आप को, तो मेरे जो साथी हैं शायद वो बातें कुछ मेरे से शेयर नहीं कर पाएंगे। ये रिश्ता, ये बिजनेस है रिश्ते बनाने का, एक दूसरे के साथ देने का। बिजनेस बिजनेस में हम साथी नहीं है, हम निजी जिंदगी में साथ देंगे, देना भी चाहिए, हमारा दिया है तो वो तब संभव है डॉक्टर साहब, जब रिश्ता आज मेरा और आपका लगा लीजिए कि आपकी मेरी एक अच्छी मित्रता बन जाए। है मित्रता हमारे बीच में, लेकिन हम शेयर तो करते हैं, बातों बहुत करते हैं, बिशम जी के साथ मैं बहुत बातें करता हूँ, अरुण जी के साथ करता हूँ, हम अच्छे दोस्त रहे। और कहते हैं सर ये दोस्ती का रिश्ता है ना, बुरा मत मानना, खून के रिश्ते से भी हैवी पड़ता है कई बार। हाँ, खून के रिश्ते से भी हैवी पड़ता है, कोई साथ दे या ना दे। और हुआ है सर, यहाँ तक पहुंचने में दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा। जो कुछ भी हूं एक मित्र की बदौलत हूं, एक दोस्त की बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूं। मेरे खून की वजह से नहीं बैठा, मेरे दोस्त की वजह से बैठा हूं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। उसी दोस्त ने एक मित्रता निभाई कि मुझ जैसे अनाड़ी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग सिखा गया, वरना आज मैं कहीं क्या पता क्या था। तो अपलाइन और डाउनलाइन एक रिश्ता दोस्ती का रखें तो हृदय का रखेंगे ना, हृदय का रिश्ता तो वो बहुत आगे तक निकल जाए, बहुत आगे। यस यस यस, वाकई में सर मैं एक बार और रोकूंगा आपको। मेरी टीम में अभी मीटिंग में काफी होंगी, कोई 18 साल की लड़की भी होगी, कोई 18 साल का लड़का भी होगा। अरे मेरे को डांट मारते हैं ये लोग, पता है आपको, डांट मारते हैं मेरे को। हाँ सच्ची, इनको महसूस नहीं होता है सर, ऐसा रिलेशन बिल्ड हुआ सर, कहीं ना कहीं उनके बराबर बने हम लोग, कोई बड़ा है छोटा कोई बड़ी बात नहीं। डांट इसलिए मारते हैं कि प्रेम करते हैं सारे लोग, बहुत ज्यादा चाहते हैं सर। और तो कहने का मतलब मेरा है कि रिश्ता हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन का एक दोस्ताना जरूर होना चाहिए, अच्छा दोस्ताना होना चाहिए, ये मेरी तरफ से कहूंगा। यस विकास गौतम जी, प्रेम की बात करी अभी आपने। हाँ प्रेम की बात, हाँ तो भाभी जी को तैयार रखिएगा अभी थोड़ी देर बाद। हाँ भाभी जी को बुला लेंगे ना, क्या दिक्कत। प्रेम की बात हम वही करेंगे। अच्छा उनसे फिर मेरे को हटा दो, उनको मीटिंग ले लेते ना। यस यस, चलिए उनको आप तैयार रखेंगे, लास्ट में हम उनको इनवाइट करेंगे। क्योंकि मेरे को टाइम देना थोड़ा सा, मैं 5 मिनट टाइम देना तैयार करने में, एंड में मैं उनको इनवाइट करूंगा, और उनका बहुत मोल है तो उनको मैं जरूर इनवाइट करना चाहूंगा। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हो पाया तो मुझे पता था, मुझे पता था, मैंने उसको बोल दिया था पहले, कसम से बोल रहा हूँ। मैं बोला आज उनको बुलाया जाएगा, क्या बात है, कोई भीषम चौहान का चक्रव्यूह है इसमें तो आना तो पड़ेगा। ग्रेट सर, थैंक यू। तो आप एक चीज बताएं सर, जैसा कि हमें 8-9 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं कंपनी को, तो बहुत सारे लोग विकास गौतम जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी। मैं तो सर, मेरा तो कैमरा ऑन है। ओके ओके, तो बहुत 8-9 महीने हो चुके हैं कंपनी को ऑलरेडी, और मैंने बहुत सारे लोगों में अंदर देखा है कि एक बेचैनी सी नजर आ रही है मुझे। तो आप क्या सोचते हैं कि लोगों को सक्सेस जल्दी कैसे मिले, तो ये आपसे सुनना चाहते हैं लोग कि लोगों को सक्सेस जल्दी कैसे मिले। 8-9 महीने हो गए हैं तो वो जो एक बेचैनी है और लोग सक्सेस चाहते हैं, तो आप बताएं कि उनको सक्सेस जल्दी कैसे मिले। सर ये सवाल जबरदस्त आपने कहा कि फार्मूला क्या है, हालांकि मैं तो इतना नहीं जानता कि कैसे जल्दी सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि एक तो सर देखिए बहुत बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, क्या ये घर किसका है जिस घर में मैं बैठा हूं, मेरा, राइट सर, मैं मेरे घर में बैठा हूं, ये मेरा है, मेरा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा अंदर मेरा, मेरी फीलिंग है मेरा। तो पहली चीज तो सर मैं ये बोलूंगा, क्या वाकई में
हमको सक्सेस चाहिए। सवाल है सर ये मेरा, बहुत गहरा सवाल, क्या वाक्य में चाहिए 100%? देखो क्या होता है कि सक्सेस हर इंसान को चाहिए। अभी ज्वाइनिंग हुआ उससे बोला आप कामयाबी लेंगे, बोलेगा अभी लूंगा, अभी लूंगा, 1 करोड़ चाहिए लूंगा। लेकिन क्या वाक्य में चाहिए? दोबारा पूछ के देखिए आप, क्या वाक्य में लेंगे आप कामयाबी? थोड़ा सा पीछे हट सकते सर, सक्सेस चाहिए, हर हाल में चाहिए और हर कीमत पे चाहिए, तो अपने को हर हाल में अपने काम को अंजाम देना होगा, देना होगा। सर जब ये कामयाबी की जो बात कर रहे हैं सर, इस कामयाबी तक देखिए पहुंचने के लिए छोटे से चैलेंज आते हैं। कई बार ऐसा इम्तिहान होता है आपको पता ही नहीं होता है, हमको नहीं पता होता है, कई बार ऐसे चैलेंज आ जाते हैं छोटे मोटे घर में, बाहर में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने काम को थर्ड पे, सेकंड पे रख देते हैं हम लोग, सेकंड पे, चलो बाद में कर लेंगे, ऐसा होता ना सर, बाद में कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता सर कि मैंने इस काम को सेकंड पे रखा हो, नहीं रखा हो। लगातार प्रयास, अपने काम को अपना मानना, अंदर लीडरशिप चाहिए, पूर्णता, बाल भर भी सर शक नहीं चाहिए, काम चाहिए, क्लियर करेंगे और अपने काम पर विश्वास होकर हमको गोल सेटिंग के साथ काम करना चाहिए। ये गोल सेटिंग का बहुत बार बातें चलती, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, सर हमको पता नहीं है हमको कब क्या करना है। जब तक कोई तारीख लिखेंगे नहीं, गोल सेट नहीं करेंगे, तो आप कैसे बन पाएंगे, मैं कैसे बन पाऊंगा? तो कोई भी काम, यहाँ आज बिजनेस को ज्वाइनिंग करके बंदा 6 महीने से 12 महीने के बीच में नया प्रेशर बंदा, मेरे हिसाब से तो सेल्स मास्टर बन सकता है, मैं तो इस बात से सहमत हूँ। लगातार प्रयास होना चाहिए सर, टीम पे काम करना पड़ेगा, टीम के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा सर, टीम के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता मुझ में कमी रह जाती, कई बार मैं तालमेल नहीं बना पाता हूँ, तो आगे लीडर को तो हर हाल में झुककर काम करना पड़ेगा, टीम से तालमेल बनाना पड़ेगा, अपने काम को रोज अंजाम देना पड़ेगा। कितना कब कामयाबी चाहिए सर? आपने बताया कि कामयाबी जल्दी चाहिए, अगर 6 महीने में चाहिए तो क्या हम रोज एक आदमी से बात करेंगे? अब बताइए तो 6 महीने में कामयाबी कैसे आएगी? नहीं आएगी सर। 6 महीने में कामयाबी चाहिए तो दिन में 4-5 लोगों से लगातार बात करें, अब डबल काम करें, लोग ओवर टाइम भी तो करते हैं कंपनी में जाके, ओवर टाइम करते हैं, 4 घंटा एक्स्ट्रा, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। सेल्स मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर 1.5-2 लाख रुपये महीने का कमाता है सर, 1.5-2 लाख रुपये कमाने के लिए सर वर्किंग तो करना पड़ेगा, लगातार काम करना। हम आज भी, मैं ऑटो सेल्स मास्टर की सब्जी भी, आप भी, मैं रात को 1 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, मेरी टीम यहाँ है मीटिंग में, आप एंट्रेंस करवा लीजिए, बहुत से साथी ऐसे हैं जो मुझसे बात करते सारे, और लगातार प्रयास, नो एक्सक्यूज, कोई बहानेबाजी नहीं, गोल सेट करवा लीजिए और गोल सेटिंग करने के बाद में रोज काम चेक कर लीजिए, क्या हमारा काम कंप्लीट है? अगर अंदर से आवाज आए कि यस मेरा काम कंप्लीट है, तो सर उस टाइम पे सेल्स मास्टर बन जाएगा, और लगे कि भाई मैं काम गोल तो सेटिंग कर लिया मैंने 6 महीने का, लेकिन मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो संभव नहीं है। तो सर गोल, जितना बड़ा गोल उस हिसाब से उतना बड़ा एक्शन भी तो लेना पड़ेगा, एक्शन भी जरूरी चीज है, एक्शन एक्शन। मेरा मानना है, मैं बार बार कहता हूँ कि यार नॉलेज तो हम ले लेते लेकिन एक्शन कम लेते हैं हम, एक्शन बड़ा लीजिए, बड़ा एक्शन, बड़े रिजल्ट आएंगे। नॉलेज थोड़ी कम है चल जाएगी, एक्शन बड़ा दुआ दीजिए, 6 महीने में अगर सेल्स मास्टर बनना है एक्शन बड़ा ले लीजिए, बड़ा एक्शन चाहिए। यस सर, ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, रिजल्ट आएंगे। एक से बात करोगे एक के हिसाब से आएंगे, और 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 के हिसाब से आएंगे, तो एक्शन बड़ा चाहिए, तो बड़े एक्शन के बड़े खेल निकलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जिसका भी ये सवाल था कि सक्सेस कैसे जल्दी आएगी, तो अब आपको अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि सक्सेस के पीछे क्या आप डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, डेली बेसिस पे लोगों से बात कर रहे हैं, क्या एक से पांच लोगों से, एटलीस्ट कम से कम नए लोगों से आप अगर बातें कर रहे हैं तो सक्सेस आपके पास है, और अगर बातें नहीं कर रहे हैं तो सक्सेस आपसे दूर है। और सक्सेस डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है कि सक्सेस आपको कब मिले और कैसे मिले। बहुत बढ़िया जवाब। और नेक्स्ट सवाल है कि सर ऑलरेडी आप ऑटो सेल्स मास्टर हैं तो डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटी आप में है, फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे लीडरशिप क्या होती है और लीडर को क्या करना चाहिए? लीडर, सबसे बड़ी बात तो सर देखिए कि आज मैं ये बोलूं कि मुझे डर नहीं लगता है, तो अपन बोलते लीडर जो होता है वो निडर होता है, हर बात में एक बात बोलते लीडर निडर, निडर का मतलब डर नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, चाहे सबसे बड़ी बात तो मेरे तरफ से यही मानूंगा कि एक लीडर को हमेशा निडर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जितना निडर रहेगा उसकी टीम भी निडर ही बनेगी।
अगर लीड ड्रा रहेगा तो टीम भी डरपोक ही बन, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। एक लीडर जो होता है वो पूरी टीम को एक साथ लेके चलता है हर हाल में। कुछ लोग हो जाते, परिवार है, 10 लोगों का परिवार है, एक आध परिवार में ऐसा साथी भी हो जाता है, हर व्यक्ति को हम संतुष्ट नहीं कर पाते। एक लीडर की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसके जीवन में कोई भी हलचल हो जाए, चाहे पर्सनल लाइफ में, तो टीम को महसूस ना होने, क्योंकि लीडर को ही देख के टीम आगे बढ़ती। सर टीम कितनी थक जाए, नेगेटिव भी हो जाए, लेकिन लीडर से बात करते हैं उनके अंदर वो एनर्जी वो क्यों आनी चाहिए। लीडर हर वक्त हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके दिमाग में बाल भर भी नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकता। देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है हम लोग सामने वाले को महसूस ना होने दें, ऐसा होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको बाल भर भी अगर शक नहीं है तो वही सामने वही बन के भी आएगा, ऐसा ही निकलेगा सेम। बहुत से लोगों से दिन रात बातें होती है कि कभी भी शक नहीं हुआ सिस्टम पे, कॉन्सेप्ट पे, अपने आप पर, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे कोई शक हुआ ही नहीं। तो एक लीडर से बात करते कहीं ना कहीं ड्रीम, अंदर के ड्रीम जागृत होने चाहिए। लीडर जो है वो ड्रीम पे वार करे, उसके सपनों पे वार करे। सपने हैं तो उनको बड़ा करेगा, नहीं है तो पैदा करके सपने देगा लीडर, और सपनों को ये एहसास करवाएगा लीडर। सपने नहीं होते लोगों के, लोग बोलते हैं कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने, नहीं है, 99% लोगों के सपने नहीं है, नहीं है सर सपने, 1% लोगों के हो सकते सपने, नहीं है। बहुत से लोग मिले हैं सर उनके सपने नहीं, कोई ड्रीम नहीं, बहुत से लोग मीटिंग में बात होती है सर कोई सपना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग में वो सपना जागृत होता है, संगत में आता है, फिर उसको ये एहसास करवाए लीडर, उसी सपने को वो आगे ले जाके उसको दिखाए, महसूस करवा दे लीडर कि यस मेरी जिंदगी में ये हो सकता है, ये लीडर है। सपने हैं तो बड़ा करे, नहीं है तो पैदा करे, पर सपने दे लीडर, और सपनों में, सपनों को देने के बाद में उन सपनों पे चला के दिखाए लीडर, उस पर चला के भी दिखाए उसको, सामने वाले को, उसको महसूस करवाए कि तुझमें वो ताकत है कि तू तेरा सपना साकार कर सकता है। लीडर ये करवाएगा महसूस। लीडर के अंदर देखिए अलग अलग होता है, कुछ लोग बहुत एजुकेशन के अंदर होते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे अनाड़ी टाइप के लोग होते हैं। लीडर में एक तड़प होती है, आग, चिंगारी, उसके अंदर एक ऐसी आग, एक ऐसा लावा दबता है कि वो संतुष्ट नहीं होता है, होगा ही नहीं संतुष्ट कभी भी। जब तक अपनी टीम को निकाल के नहीं लाएगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। लीडर में वो भूख, वो पागलपन नजर आना चाहिए, उसका पागलपन उसका बाहर निकलना चाहिए। पूरी टीम अगर 150 लोगों की टीम है, खजी कारण विवश अगर टीम किसी वजह से कई बार बहुत ही बार उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन टीम अगर डाउन पड़े और लीडर की एक आवाज सारी टीम खड़ी हो जाए, ऐसा लीडर माहौल को बदल के रख दे, पूरे माहौल को बदल के रख देता है वो लीडर। लीडर थक जाए फिर खड़ा हो जाए, टूट जाए फिर खड़ा हो जाए, हालात बिगड़ जाए फिर खड़ा हो जाए, वो लीडर जिसका हाथ पकड़ ले वो छुटवा के ना जा सके, छुटवा के भग जाए तो फिर खींच के ले आए, वो लीडर कमिटमेंट का पक्का, वादे का खरा, वो लीडर, ऐसा लीडर लोग उस पर ब्लाइंड फेथ करें, विश्वास करें, भरोसा करें, ऐसा लीडर चाहिए सर, जो सपनों को साकार करवाने में भी लगाए। सपने तो दिखा देगा लेकिन साकार कौन कराएगा, वो लीडर। एक लीडर ने तो सर आप बताओ कि मैं राजनीति की बातें नहीं करता हूं, लेकिन एक लीडर ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक लीडर फील्ड में उतरा, तहलका मचा दिया, सिलेंडर करवा दिया। ऐसे ही लीडर उतरेंगे अगले 2 से 4 महीने के बाद दंगल में उतरेंगे। अब आमने सामने की लड़ाई में जो लीडर दंगल में उतर जाएगा और जिस शहर वो चला गया अगर 10-20 लोगों के पास या एक के पास भी बैठ गया तो उसी को लीडर बनाएगा वो लीडर। लीडर लीडर बनाता है सर, बनाएगा हर हाल में बनाएगा, अगर लीडरशिप है तो, नहीं है तो शायद इसी प्रकार के रिजल्ट भी आएंगे। तो लीडर पॉजिटिव सोचे, अच्छा बोले,
और टीम का साथ दे, खींच के लेके चले, जैसा भी नेगेटिव हो जाए फिर पॉजिटिव करते, माहौल को बदल के रख दे, वो लीडर गोल पे काम करे, वो लीडर। राइट सर, राइट, यस। तो आपने देखा लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, क्या जुनून और क्या जज्बा होना चाहिए आप में, और वो जज्बा लोगों को दिखना चाहिए और वो चीज लोगों में आनी चाहिए। और डेफिनेटली जब लीडरशिप आपके अंदर होती है तो वो डेफिनेटली ट्रांसफर भी होगी आपसे आपके डाउनलाइंस में। सर, हर काम में मैच्योर और इमैच्योर दोनों तरह के लोग होते हैं। कोई भी दुनिया के काम हो उसमें मैच्योर और इमैच्योर दोनों तरह के लोग होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी मैच्योर और इमैच्योर दोनों तरह के लोग हैं। तो आप बताएं इनमें से कौन कामयाब होते हैं, मैच्योर और इमैच्योर? ओके, मतलब मेरे को आप पिटवाओगे क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा सवाल कर रहे हो। ओके, देखिए सर, मैच्योर इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से लोग मैच्योर हैं। विषम चौहान मैच्योर, मैं मैच्योर, अरुण मीना मैच्योर, आप भी मैच्योर, राइट सर, और बहुत से लोग मैच्योर, ये लोग भी कामयाब हैं, हम लोग कामयाब हैं, राइट सर। और एक होता है इनमैच्योर, जिसको कुछ नहीं आता। देखिए, ज्यादा जो आदमी सीख चुका होता है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, और उसको सिखा पाना बड़ा मुश्किल, राइट सर, बड़ा मुश्किल कोई भी इंसान हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई मूर्ति, मिट्टी से मूर्ति तैयार हुई और उसको हमको दोबारा कोई आकार देना है, उस मूर्ति को तोड़ के अगर दोबारा से करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक कच्ची मिट्टी को उठा के उसको गूंथ के आप जो चाहे आकार दे दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, ज्यादा आगे निकल रहे हैं, वो ज्यादा निकलते हैं, क्यों? उनको कम आता है। वो आपसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे करना क्या है, मुझे बताइए, ये बिजनेस क्या है? मानने का है, किसी की मान लो, जो कामयाब हो रहा है उसकी मानना शुरू कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आज आपसे बात पूछ के सिस्टम के बारे में जान के, और अगर वो आप बताते हैं, अगर वो ही करना शुरू कर दे, तो क्या वो कामयाब होगा कि नहीं होगा? बताओ, 100% कामयाब होगा, क्योंकि आप गलत सलाह नहीं दे सकते, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, आप अच्छे तरीके से सिखा सकते हो। किसको? जिसको कम आता है या कुछ नहीं आता है, कोरा कागज जिस पे चाहे जो लिख दीजिए, लिख दीजिए। आज ज्यादा ज्यादा जो रिजल्ट निकल के आया है वो उन्हीं लोगों का है जिनको कम आता है या नहीं आता है। जिनको बहुत ज्यादा आता है उनको मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊं या आप समझा पाएंगे, राइट सर। तो इनमैच्योर लोग ज्यादा बढ़ेंगे, फ्रेशर लोग बहुत आगे आने वाले हैं, आएंगे, बहुत आगे आएंगे। और कहीं ना कहीं एक बार एक और चीज आती सर, एक मैं बोलूं सर, कोई छोटी मोटी बात खुल के बोल दूं मैं ना, बहुत ज्यादा ज्ञान जो होता है वो दुश्मन बन जाता है इंसान, बहुत बड़ा ज्ञान दुश्मन, मतलब इंसान के ईगो पैदा कर देता है। इधर से ईगो आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, वो सुनने को तैयार नहीं होता, नहीं सुनना चाहता वो किसी की भी ना। जब तक या तो हमें नॉलेज मिल गई, हमको बहुत कुछ आता है पर मानना नहीं है, हमको मानना नहीं है कि हमको बहुत कुछ आता है, मैं यही कहूंगा, मानना नहीं कि यार मुझे बहुत कुछ आता है। जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम मैच्योर हो गए, हमको बहुत कुछ आता है, तो हम लोग वापस आ जाएंगे, आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो हमको सीख लिया, लेकिन हमेशा ये चीज होनी चाहिए, शायद मुझे बहुत कम आता है, ये बात अगर दिल दिमाग में थोड़ी सी रहेगी ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक के रखेंगे, अपने पैरों को जमीन पे रखेंगे। और जब तक बड़ी कामयाबी लेनी है तो पैरों को जमीन पे रखना होगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानना होगा कि मुझे नहीं आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको बहुत कुछ आता है। जबरदस्त, जबरदस्त, ये चीज बहुत बड़ा काम करती है। तो अभी आपने देखा, एक चीज हमें बहुत खास ख्याल रखनी है कि हमें हमेशा अपने आप को सीखने के मोड में रखना है, और सीखने वाला ही बहुत अच्छा सिखा सकता है, और सीखने का जो कार्यक्रम है वो चीज आपको खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस बात पे एक बात, विकास गौतम जी, मुझे एक सवाल था आपसे। कुछ लोग बहुत ज्यादा सीखने पर फोकस करते हैं और काफी सारी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, इसका क्या लाभ है? सर, बहुत ज्यादा सीखते हम किस लिए? ताकि हम अपना काम कर सकें, इसलिए हमने एजुकेशन लिए या प्लान क्यों सीखा? ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करवा सकें। मैं बहुत से साथियों को पर्सनली जानता हूं जिनके पास में उन्होंने बहुत ज्यादा सीखा है,
नॉलेज की बात करूं, मैं टॉप ऐसे 10 लोगों के नाम बता सकता हूं पर्सनली कभी आपको, कि जिनके पास में नॉलेज अरुण मीना से भी ज्यादा है, डॉक्टर एस कुमार से भी ज्यादा रखते हैं वो, बहुत से लोगों, मैं तो पासिंग में भी नहीं आता। लेकिन नॉलेज के बाद में क्या होता है, एक वो लोग जो मीटिंग में बने रहते हैं लगातार, लेकिन मीटिंग का भी टाइम होता है, दिन में 3-3 मीटिंग या 4-4 मीटिंग तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई दिन भर मीटिंग में रहेंगे तो काम कब करेंगे, एक्शन कब लेंगे हम बताओ? एक्शन नहीं लेंगे तो बिजनेस कहां से होगा? लोगों को फिर आगे चल के क्या होगा, बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा तो वो लोगों से बात करने में शर्म करना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम आती, गोगी आती, मैं क्या बात करूं। तो कहीं ना कहीं अपने को ज्यादा सिखाना भी, सीखते सीखते बढ़ना है। मेरी कल एक लेडी लीडर से बात हुई थी, उन्होंने कहा सर मैं जब तक कंप्लीट सीख नहीं लेती मैं लोगों से बात नहीं करूं। मैंने कहा ये मत कीजिए, आप रिजेक्शन लेने जाइए, आप रिजेक्शन प्रैक्टिस कहां करेंगे? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एक मिनट में सबको कन्विंस कर सकता है? जरूरी नहीं होता, बार बार प्रयास करना पड़ता है। आपने थोड़ा सा नॉलेज लिया, प्लान का लिया, प्रोफाइल का लिया, आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, 1-2-3। तो अगर आपने नॉलेज थोड़ी थोड़ी लेके थोड़ा थोड़ा एक्शन लिया तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आपके अंदर वो लीडरशिप निकल के आएगी। लेकिन बहुत ज्यादा हम ये सोचते हैं कि हम लगातार मीटिंगों में रहे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, अगर किसी ने एक्शन नहीं लिया और सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया, वहीं बैठे रह गए, रिजल्ट नहीं बन पाया। इसलिए नॉलेज इतनी लीजिए, एकदम से मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा सीख के आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दिन भर में एक अगर मीटिंग हो सकता है, अभी मैं हर एक लीडर की अलग अलग बातें होती है, कोई 2 मीटिंग भी करता है, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि एक मीटिंग का ही आयोजन हो, 1 घंटे की मीटिंग हो, बाकी 1-2 घंटा वर्किंग कर पाए तो रिजल्ट बन पाएंगे सर। तो सर ज्यादा मीटिंग ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो इतनी मीटिंगों का जरूरत नहीं है, हम लोग इतनी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है एक्शन की। जितनी देर आप मीटिंग में बैठते हो, 3 मीटिंगों में बैठे, 1 मीटिंग 1.5 घंटे की, 4.5 घंटा निकल गया हमारा। अगर वो 3 घंटे में हम 3 लोगों से बात कर सकते सर, 3 लोगों से, हो सकता है उसमें से अरुण मीना निकल के आ जाए, हो सकता था भीष्म चौहान निकल के आ जाए। तो लोगों से मिलना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, मीटिंग एक ठीक रहेगी सर। नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा थोड़ा एक्शन, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, धीरे धीरे सीखेंगे सर। आज भी कुछ भी नहीं आता हमको, 10-12 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ भी नहीं आता है, सीख रहे हैं ना, सीख लेंगे, सीखने की उम्र है क्या? जिंदगी भर तक सीखना है हमको, सीखेंगे सर। तो एक दिन में परफेक्ट नहीं होना है, थोड़ी सी नॉलेज, एक्शन, नॉलेज एक्शन। मैं तो सही बोल रहा हूँ, 10-20% नॉलेज, 80% एक्शन ले लीजिए, रिजल्ट बड़े निकल के आ जाएंगे। ज्ञान इतना ही चाहिएगा मेरे हिसाब से, ज्यादा मीटिंग में नहीं रहना चाहिए हमको, 1 मीटिंग जरूरी है, 1 मीटिंग में तो रहिए आप। और एक बात और बोलूं मैं सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? आवाज आ रही है सर मेरी? एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हर साथी को बोलूंगा, आपकी कामयाबी अगर आप रोजाना एक फोन अपनी एक्टिव अपलाइन, जो आपकी नजर में लगता है कि सर मेरा वो अपलाइन एक्टिव है जबरदस्त तरीके से, उसको एक फोन कर दो, 30 सेकंड का, मात्र 30 सेकंड का फोन कर दो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फोन काट दो, काट दो फोन आप, रोज एक फोन कर दो आप, गारंटी है बहुत कुछ पा जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे सर। एक फोन अपनी एक्टिव अपलाइन के पास 30 सेकंड का कर दीजिए। लेकिन अपलाइन का मतलब ये नहीं कि जिसने आपको ज्वाइनिंग करवा दिया या आपसे ऊपर है, एक्टिव जो बिजनेस को संभाल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो टीम को मैनेज कर रहा है, उसके पास जरूर एक फोन कर, रिजल्ट बन के आएंगे पक्का। यस सर, आपने अपलाइन के बारे में बात किया तो एक सवाल और निकल के आता है कि एटोमी में अपलाइन से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया। अपलाइन से मैं तो ऐसा मानूंगा, देखिए कई बार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पुराने साथी मैं भी हूँ, डॉक्टर एस कुमार जी भी हैं, भीष्म जी, हम पुराने साथी, अरुण मीना जी, हम लोगों ने कई साल तक नेटवर्क मार्केटिंग किया है। तो इसमें मैं विशेष नहीं मानता कि मैं अपलाइन हूँ, मैं नहीं मानता, भीष्म जी जबरदस्ती करते हैं वो बात अलग है। तो देखिए अपलाइन का जो मेन रोल रहता है वो होता है हमारी कमियों को बता, मुझ में कमी है, मेरा अपलाइन मुझे बता दे, अकेले में फोन करके, विकास गौतम तूने मीटिंग में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझ में ये कमी है, राइट सर। अपलाइन से पूछ, इतना ऐसा होता नहीं है, 99% ऐसा नहीं होता, 1% हो सकता है
कि अपलाइन से अपन अपनी कमी को एक बार पूछ ले कि क्या मुझ में कोई कमी है तो बताएंगे मुझे। अगर एक बार पूछ लिया अपलाइन से कमी क्या है तो रिजल्ट और बड़े बनेंगे। तो अपलाइन से तो उम्मीद यही रखे कि उनसे सीख पाए या अपनी कमियों को जान पाए। जिस दिन हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे तो वैसे हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अपलाइन का सहयोग जो सबसे बड़ा रहेगा वो यही रहेगा कि अपनी कमियों को जान पाए, और कहीं ना कहीं अगर कोई राय डिसीजन कोई भी चीज में आप कंफ्यूज बात को लेकर और आपको लगता है कि आपके अपलाइन बता पाए तो अपन अपलाइन से पूछें, अपनी अपलाइन का सहयोग लें गाइडलाइन लें जरूर। लेकिन अपलाइन का मतलब ये नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कि वो पीवी निकाल के दे दे, ये भी लफड़ा बहुत चलता है आजकल, सुना है मैंने कि सर पीवी निकाल के दे देगा, तो वो नहीं होगा अपलाइन का, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अपलाइन से अच्छा संबंध रखना चाहिए सर, रखना तो चाहिए सर अच्छा संबंध, डाउनलाइन के साथ भी रखना चाहिए, संबंधों का तो खेल है ही सारा, रिलेशन का खेल है। तो अपलाइन से उम्मीद कीजिए, अगर संभव हो तो कमी है तो पूछिए जरूर, कोई ना कोई मैं जरूर पूछूंगा कि क्या मुझ में कोई कमी है। मैं तो विषम जी से पूछता हूँ, आप पूछ लो विषम जी मेरे कि विषम जी कोई कमी है तो बताओ, क्यों विषम जी सही कह रहा हूँ मैं, और डॉक्टर साहब आपसे भी पूछता हूँ कई बार बात फिर होती है आपसे कि बताओ अगर कोई गलती हो गई तो बताइए मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है आप मुझे कोई ऐसी बात बताते जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है और मैं उस गलती को बार बार कर रहा हूँ। एक गलती मैंने की थी जब डॉक्टर एस कुमार का मेरे पास फोन आया था, याद आया सर? यस सर, याद है, दोबारा वो गलती नहीं की मैंने, दोबारा गलती नहीं की मैंने, मैं बता रहा गलती मैंने की थी और वो बात ये जाने में जा रहा, कहा विकास सर एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कहा सर बिल्कुल बोलिए, बोलो बोलो या ना बोलो, डॉक्टर बिल्कुल बोलिए आप मेरे मित्र हैं। तो इन्होंने कहा विकास सर मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो भी लीडर है, हमारी टीम लीडर है, तो स्टेटस के ऊपर अपने लीडरों को लगाया जाए। बात मेरी समझ में आई, बात समझ में आई, वो दिन था आज का दिन है। आप मेरे स्टेटस को चेक करते हैं सर, कभी मिला दोबारा फॉल्ट? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। हाँ मुझे, थैंक यू सर, वो बात मुझे अच्छी लगी थी आपकी, और आपकी छोटी सी बात ने मेरा जीवन को बदला और मुझे अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच विकास गौतम जी, आपने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया है। तो वापस हम लोग अब प्रेम की बातों पे आ जाते हैं, तो अब कुछ प्रेम की बातें हो जाए तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा भाभी जी को, आप प्लीज सर मेरे को दो मिनट का टाइम दीजिए वो अभी आ रही, मैंने उनको बोला सिर्फ दो मिनट का, आप दो मिनट संभालिए जैसे मैं बोल के आ रहा हूँ, दो मिनट मत है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आपने देखा क्या जबरदस्त, देखिए ऑटो सेल्स मास्टर बनने के सारे गुण ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं कि सारे ऑटो सेल्स मास्टर बनने के सारे गुण विकास गौतम जी में हैं, और हम सब इंक्लूडिंग मैं और हम सब ये चाहते हैं और हमें बनना चाहिए। आपने देखा थ्रू आउट द मीटिंग एक कॉमन सी बात आपको नजर आई होगी, जो मुझे नजर आई कि एक रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है। तो कोशिश करिए कि आपका रिलेशन आपके डाउनलाइन और आपके अपलाइन से कभी भी ऐसा ना हो जाए कि आपको उनसे बात करने में सोचना पड़े, आपको एक फोन कॉल करने से पहले सोचने की जरूरत पड़े कि मैं करूं या ना करूं, वो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, वो सीधा जवाब देंगे या उल्टा जवाब देंगे। तो मैं समझता हूं कि एक पूरी मीटिंग का एक कॉमन सा निचोड़ अगर निकालें तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या कि हमें अपलाइन को या डाउनलाइन को फोन करने से पहले उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट ना हो। फिर भी हम एक डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं कि हम अपने डाउनलाइन और अपलाइन, देखिए दोनों के साथ, आपकी अपलाइन हो चाहे आपकी डाउनलाइन हो, एक डिसिप्लिन हम मेंटेन रखते हैं कि मैं, अगर आप देखिए मैं, मेरे जितने भी डाउनलाइन उनको पता है कि जब मैं कभी भी उनको बात करनी होती है तो मैं उनको एक मैसेज डालता हूँ कि जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर लें। अपनी डाउनलाइन को मैसेज डालता हूँ कि जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर लें। तो ये सबके लिए लागू होता है क्योंकि हर पर्सन का अपना शेड्यूल है, अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में हर तरह से बिजी हो सकता है, तो हमें परमिशन लेने की जरूरत है। लेकिन उस परमिशन के पीछे भी आप इतना फ्री जरूर हो कि आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन ऐसा बिल्डअप कीजिए, मन में जो भी आपके भाव है, जो भी आपका बेसिक नेचर है। अब लाइफ के बहुत सारे इयर्स निकल चुके हैं, आप मैक्सिमम लोग यहाँ 35 क्रॉस कर चुके हैं, तो अब लाइफ में जिस नेचर की वजह से, जिस बर्ताव की वजह से, जो बिहेवियर की वजह से आपके नॉर्मल, आपका कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं किया या आपके रिलेशन लोगों से बिल्डअप नहीं हुए, मैं ये चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि विकास गौतम की तरह
आप रिलेशन बिल्डअप पर ध्यान दें, अपने बेसिक नेचर को बिल्कुल छोड़ दें और कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपका रिलेशन किसी से सही ना हो, बिगड़ जाए। तो थैंक यू विकास जी। और विकास जी जब तक अपनी अर्धांगिनी को यहाँ बुलाते हैं, बिल्कुल मैम आ गई है, मैम आ गई है। ओके सर, तो आप अरुण सर एक बार वीडियो ऑफ करें, उनका वीडियो नहीं आ रहा। सर आ रहा है, सर आ रहा है। नहीं, आपका वीडियो ऑन है सर। अच्छा, यस, आप सर वीडियो ऑन करें प्लीज। विकास गौतम जी, यस सर, स्क्रीन पे सर ऑलरेडी उनका वीडियो ऑन है। मुझे सर आपका दिख रहा है सर। हाँ, आप उसको स्क्रॉल कीजिए सर। ओके, क्योंकि हाँ, नेक्स्ट वाले में, सेकंड विंडो पे, सेकंड वाले पे है। ओके, तो विकास गौतम जी, भाभी जी से बात कराएं प्लीज। हाँ प्लीज बोलिए सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पता नहीं मुझे वीडियो क्यों नजर नहीं आ रहा। अरुण सर पहले नजर आ रहा था, अब क्यों नजर नहीं आ रहा? अब सर फर्स्ट वाली विंडो पे अभी रुकिए, मैं सॉरी कुछ लीडर्स, एक मिनट रुक जाइए बस। यस प्लीज सर, मैनेज करिए इसको। हाँ प्लीज। कुछ लीडर्स एक मिनट के लिए आपका वीडियो ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑन कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है जस्ट मिनट। अब देखिए सर, सर अभी भी नहीं है सर। बिल्कुल वीडियो ऑन है। मैं एक बार लेफ्ट दोबारा। नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी है सर, और आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। ऑलरेडी उनका वीडियो भी दिख रहा है फर्स्ट विंडो पे। मैं उनको देखना चाह रहा था लेकिन मुझे ही नहीं दिख रहा, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। एक मिनट सर, आप उनको उनके उस पे जाके ना डबल टैप कर दो सर। ओके, उनके उस पे जाके डबल टैप, उनके फोटो पे वीडियो पे जाके डबल टैप कर दो बस, डायरेक्टली केवल उन्हीं का आएगा। ओके ओके ओके, पार्टिसिपेंट में जाकर? नहीं, उनकी वीडियो पे जाके सर, उनकी जो वीडियोस है उनके नाम पे डबल टैप कर दीजिए, पार्टिसिपेंट में नहीं, वैसे जो पिक्चर्स है। ओके ओके ओके, विकास गौतम जी, यस यस यस, फाइन फाइन फाइन, सब लोग ये कर सकते हैं। भाभी जी नमस्कार, आप मुझे दिख गए। और फर्स्ट बार जब हमने इंटरव्यू लिया था विकास गौतम जी का, तो आप नजर नहीं आ रहे थे, तो सबसे अच्छी बात तो ये है मुझे जोड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है आप लोगों। नमस्कार। और थोड़ा सा वीडियो पॉज हो रहा है आपका शायद। हाँ अब ठीक है। तो भाभी जी आप बताएं कि आप विकास गौतम जी तो जुनून से एटमी कर रहे हैं, तो आपने इस दौरान इस 8 महीने के सफर में और उससे पहले के सफर में आपने क्या क्या परेशानियां झेली और क्या क्या दिमाग में बातें आपके आई, तो हम जानना चाहते हैं आपके शब्दों में। सर देखो, परेशानी तो लाइफ टाइम आती रहती है, और मेरा मानना तो ये है कि परेशानी एक तरफ और अपना बिजनेस एक तरफ, और मैंने विकास सर को यही बोला। सर विकास गौतम जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। यस, नेटवर्क इशू है सर, नेटवर्क इशू है सर। अब आ गए हैं दोबारा। ओके 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 ओके, माइक कनेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है अरुण जी? यस सर। अरुण जी मात्र एक मिनट का टाइम देंगे, वापस एक मिनट के लिए माफी चाहता हूं। श्योर सर, श्योर सर, श्योर। ओके प्लीज, वन मिनट ओनली। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑटो सेल्स मास्टर की मिसेस क्या कहने वाली है हमें खुद नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इनसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे। आप लोग खुद देखिए, खुद सोचिए और देखिए क्या हैं इनके विचार। तो हम एक मिनट वेट करते हैं, वो एक बार ऑडियो कनेक्ट कर लें, वीडियो कनेक्ट कर लें।
अरुण सर जब तक वो आते हैं एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, जब तक वो आते हैं तब तक आप मीटिंग को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आपने आज की मीटिंग से आपने क्या फील किया, क्या लिया आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ये जो मौका दिया मुझे भी और विकास जी ने जितनी भी बातें बताई उस पे सबसे बड़ा जो एक मतलब मुझको जो दो बातें खास लगी, एक तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा है या नहीं, मतलब आपका विजन बिल्कुल साफ है या नहीं, आप जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हो क्या, पूछ लो अपने आप से, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कि आपको टीम पे काम करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेफ्ट और राइट में ना डिफरेंस कर देते हैं, अगर बड़ा है तो उस साइड नहीं करते और दूसरा है तो उस साइड नहीं करते, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें सभी लोग, सभी का, क्योंकि आगे चल के ना दोनों लेग पे आपको सहयोग की, नीचे टीम की आवश्यकता पड़ेगी। और सर के पास तो देखो कोई शक नहीं है, वो जमीनी तौर पे बहुत काम करते हैं, ऑनलाइन तो वो आपने देखा होगा सिर्फ बातें करते हैं हम लोगों से मोटिवेशनल, अदरवाइज जमीनी तौर पे आपको सबको जाना पड़ेगा, ऑलरेडी आ चुके हैं हम, पहले सर को लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं, विकास गौतम जी ऑलरेडी आ चुके हैं, सर आप उनको होस्ट बना दें सर। ओके सर, होस्ट नहीं है क्या, एक मैं देख लेता हूँ पार्टिसिपेट पे आके। हाँ नहीं है, नहीं है विकास जी, विकास जी कहाँ चले गए सर, विकास जी हैं क्या आप? हाँ है, एक आने नहीं, बस सर अनम्यूट भी कर लें और वीडियो भी, आपको होस्ट है सर। विकास जी थोड़ा सा वॉइस, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, करना पड़ेगा शायद आवाज सही आ जाए। जी 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 हाँ आवाज है, कोई बात नहीं सर, हाँ आप सही है, आप सही तो आवाज आ रही है सर आपको विकास जी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। यस भाभी जी, आप बताएं मुझे कि जो विकास जी लास्ट 2-3 साल से एटमी में लगे हुए हैं और लास्ट 8 महीने से ही इनकम आ रही है, उससे पहले एटमी से कोई इनकम भी नहीं थी, तो आपने आपके मन में क्या क्या बातें आती थी, प्लीज आप बताएं अपनी कहानी सच्चे शब्दों में। बिल्कुल सर, सर देखो लाइफ में चैलेंज तो आते रहते हैं और विकास सर ने और हमने तो रस्ते में बहुत ही चैलेंज आते हैं और विकास सर जो ठान लेते हैं ना उनको पूरा करते हैं, मैं तो अपने चैलेंज देखा और अपना बिजनेस देखा, विकास सर ने अकेडमी बिजनेस को करने के लिए मेहनत की है कि दिन रात एक करता, विकास सर अपनी टीम से इतना करते हैं कि टीम के लिए ये सब कुछ नोट कर सकते हैं और इसलिए तो हमारी टीम भी हमारे साथ है, जब भी विकास सर की जान मांगे तो मेरे हिसाब से हमारी टीम हमारे लिए जान भी दे सकती है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि विकास सर अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं और मैंने भी सबको कहा कि चलो हम साथ हैं, हमें इग्नोर कीजिए और अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए और इसलिए सर मेरा मानना है कि हमने इतनी विकास सर की मेहनत के बाद आज हमें एक अच्छा मिली है और नेटवर्क अगेन नेटवर्क इशू है, तो तब तक हम देखे सर क्या पोजीशन है, कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो गया, तो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं वीडियो ऑफ सर का ऑफ, विकास जी आप अपना एक बार वीडियो ऑफ कर लूं सर, मैं वीडियो कर लूं, वीडियो ऑफ कर लूं सर, और सर दोनों लीड मैडम को दे दें सर, आपका कोई काम नहीं, ओके अब हाँ दोनों लीड आप मैडम को दे दें, आप बहुत बोल लिए, आप मैडम को बोलने दो। यस यस मैम सर, वो एक तरफ बैठ गए। हाँ जी सर,
मैं सर मेरा मानना है विकास सर ने इतनी मेहनत की है कि अटल आवाज करने के लिए कि विकास सर को ये भी आवाज थोड़ी सी आवाज मुझे लग रहा है दोनों लीड एक बार आप यूज करें या लीड हटा दें मैम। नहीं वो नेटवर्क का है सर, नेटवर्क का है। खराब आ रही है वॉइस अब ठीक। यस मैम सर मेरा कहना है कि विकास सर ने अटल में बिजनेस के लिए मेहनत की है कि विकास सर को ये भी नहीं पता था कि कहाँ है, कहाँ छाव है, कहाँ गर्मी है, कहाँ सर्दी है। रियल में जब विकास सर ने स्टार्टिंग में तो अटल में बिजनेस स्टार्ट किया था तो छत पे जून का महीना था और इतनी तेज जून के महीने में आप सबको पता है कितनी तेज धूप होती है। और विकास सर अपनी टीम से बात कर रहे थे और मेरा भी छत पे जाना था। मैं सर से बोला कि क्या कर रहे हो, क्या हुआ, मैंने आपके पैर में चप्पल भी नहीं है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है। रियल में मैं विकास सर से इतनी इम्प्रेस हूँ सर कि ये इतनी मेहनत करते हैं अटल में बिजनेस के लिए नहीं सर, विकास सर ने जो भी बिजनेस किया है। एक्चुअली फिर डिस्कनेक्ट हो गए थोड़ी सी। हाँ आ गए थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। विकास जी को भी छत पे भेजना पड़ेगा। हाँ अनम्यूट कर ले विकास सर। म्यूट करें विकास जी थोड़ा सा। यस मैम यस और सर मैं तो कह रही हूँ सर विकास सर ने इस बिजनेस को उठाने में इतनी मेहनत की है इसलिए तो आज विकास सर को इतनी सफलता मिली है। और मैं बहुत खुश हूँ विकास सर को देख के इतनी मेहनत करती है और मैं तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, इतना अच्छा जीवन साथी मिला है जो इतनी मेहनत करते हैं। और विकास सर जो ठान लेते हैं ना मुझे काम करना है तो करते ही करते हैं। और विकास सर ये नहीं कि अपनी टीम को डांट नहीं लगाते, वो डांट भी लगाते हैं, फटकार लगाते हैं और टीम को बुरा भी। मैं विकास सर से बोलती हूँ जब भी ये डांट लगाते हैं पीछे रहते हैं तो डांट लगाते हैं तो मैं विकास सर से बोलती हूँ कि आप क्या करते हो, टीम को डांट लगा रहे हो। कनेक्शन थोड़ी सी यस यस आ गए। देखिए बहुत समझने वाली बातें हैं जो वो उनकी मिसेस बोल रही है। वाकई में ये वो पार्ट है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये भी पार्ट है जब हस्बैंड वाइफ दोनों में एक पर्सन काम कर रहा होता है तो दूसरे पर्सन से आपको क्या सहयोग चाहिए होती है, वो पार्ट एक्चुअली आपके आपके सामने है। ये सर आपका माइक ऑन नहीं है विकास जी, कनेक्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है सब लोग इस चीज को समझ पाते होंगे कि विकास जी कितना टाइम जिसको कहते हैं एटॉमी को देते हैं, कितना ज्यादा टाइम टीम को देते हैं, तो घर पे कितना टाइम दे पाते हैं। क्या आप सब समझ जाए? कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताइए भाभी जी, एक बात ना मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में आ गई, आपने कहा कि विकास जी जो ठान लेते हैं वही करते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी सर वॉइस आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है। आपने कहा विकास जी जो ठान लेते हैं वही करते हैं। दोपरेश कुमार सर यस आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है सर। मुझे आप 2 मिनट का, मैं एक बार दूसरा फोन लेके आऊंगा, थोड़ा नेटवर्क इशू पता नहीं क्या हुआ है, तो मुझे 2 मिनट का टाइम और लीजिए। नहीं सर लेके आओ, सर लेके आओ। तब तक हम विष्णु चौहान जी को इनवाइट करते हैं। विष्णु चौहान सर आप अनम्यूट करें प्लीज। जी सर नमस्कार सभी को, नमस्कार डॉक्टर साहब। आप बताएं सर आज के इंटरव्यू के दौरान आपने क्या कलेक्ट किया चीजों को, उसको समराइज करें प्लीज सर। सर आज की मीटिंग से सबसे पहले तो ये है कि जो विकास जी ने संबंधों की बात करी, जो रिलेशंस की बात करी और जो टीम में तालमेल की बात करी वो बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जैसे उन्होंने बताया कि किसी को नहीं आता है, किसी को आता है,
उसको साइड में रख करके सीखने की कोशिश करें, क्रिटिसिज्म से दूर रहें। और जैसे उन्होंने बताया कि मतलब ये नहीं हमें लगना चाहिए कि मतलब हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यदि एक दूसरे से बात करेंगे, अपलाइन से बात करेंगे, एक मिनट का टाइम निकाल करके हम यदि एक कॉल कर लेंगे, उन्होंने तो बोला कि डेली कॉल करें लेकिन हफ्ते में भी एक बार कॉल कर लेंगे, तो वो एनर्जी, वो वाइब्स, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो चली जाएंगी एक दूसरे के अंदर, पता लग जाएगा। कोशिश करें कि जो भी चीजें बताई संबंधों के ऊपर, वर्क एथिक्स के ऊपर, डाउनलाइन अपलाइन के जो संबंध है, रिलेशन है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी, एक लीडरशिप की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीडर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि इन चीजों का 10% भी हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत बड़ी बात नहीं, ऑटो सेल्स मास्टर को जा सकते। और जो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए, किसी को कम पता है और ज्यादा सीखने की चाहत रखता है वो विनर है, और जिसको सब कुछ पता है उसको हम लोग सर्वज्ञाता बोलते हैं, और जब उसे सब कुछ पता है तो वही वाली बात है कि गिलास में पानी भरा हुआ है तो आएगा कितना, वो तो छलकेगा। बहुत सारी कमियां हैं लोगों के अंदर, बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं डॉक्टर साहब एज ए होस्ट, लेकिन मैं उन कमियों को ना देख करके आपकी अच्छाइयों को देखूं तो मैं बहुत ज्यादा जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। Yes. ये बहुत मतलब कोई परफेक्ट नहीं है। Yes, yes. इस धरती पे कोई परफेक्ट नहीं। एक पॉइंट पर को मैं याद आया, मैं बोलता हूँ, सॉरी विषम जी, कि उन्होंने एक पॉइंट बोला कि आप जिसको कहते हैं जो सीख लेते हो, ज्यादा जो सीख लेते हो, वो सीख लिया उससे कुछ नहीं होने वाला। Yes. वो सीखने के बाद जो आप करोगे रिवॉर्ड उसको मिलने वाला है। जो Yes. आपने ज्ञान ले लिया उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उस ज्ञान को आप जिसको कहते हैं जब एक्शन में कन्वर्ट करोगे, वहां से आपको जो सक्सेस मिलेगी एक्चुअली वो रिवॉर्डेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, continue, और दूसरा ये है कि आप अपनी टीम के मालिक हैं, उन्होंने बताया आप अपनी टीम के मालिक हैं, आप टीम में से कैसे निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उनकी बातों से एक चीज जाहिर हुई और एक चीज बिल्कुल क्लियर हुई कि आप डिसीजन लेने के लिए तैयार रहें अपनी टीम के लिए, जैसा आप करेंगे वैसा ही टीम करेगी। आई थिंक सो विकास जी आ गए। अनम्यूट कर सकते हैं विकास जी। यस यस, थैंक यू सो मच। निशा बात। यस निशा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सर। निशा जी आपने एक बात बोली थी बीच में, जो विकास जी ठान लेते हैं वही करते हैं, और बड़ा कॉन्फिडेंट था आपकी बात पे ना विकास जी, जो ठान लेते हैं वही करते हैं। तो एक सवाल आपसे मैम, ये बताएं आपका, आपने आपका जो मैरिज है, लव मैरिज है और एंगेज मैरिज है? अच्छा, मुझे लगा लव मैरिज है कि विकास जी ने ठान लिया शादी तो करूंगा, तो करूंगा इन्हीं से करूंगा। नहीं सर, वो बात ऐसी है सर कि जैसे एंगेजमेंट के बाद सर जो ठान ले देते कि मुझे मेरे से मिलना है तो मिलना ही है। अरे वाह, तभी मतलब आपको आईडिया। और जैसे कोई भी काम होता है कि सर, यस यस बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, जैसे सर काम के प्रति भी देखती हूँ ना विकास सर को, जैसे टीम से कभी कोई गलती हो जाती है तो विकास सर का कॉल नहीं लगता है, तो विकास सर ठान लेते हैं मुझे उस शख्स से बात करनी है, तो सर करते ही करते हैं, सर बोलते हैं कि मुझे ये शख्स चाहिए ही चाहिए, मुझे इससे बात कर। ओहो, लाइ आज बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है नेटवर्क में। ओ, कनेक्ट हो गए वापस। ओके, तो आपने देखा। यस यस
जैसे सर को रात को भी बात करनी हो, रात को चाहे 1 बज जाए, सर को सबसे बात करनी है तो करनी है, और सर को शख्स के जैसे 100 किलोमीटर भी रहता है तो 100 किलोमीटर दूरी की तय करके रात को भी जाना पड़ता है ना, तो सर जाएंगे ही जाएंगे। सर को ये, मेरे को सर को ये बात अच्छी भी लगती है कि सर जिस काम को ठान लेते ये काम मुझे करना है तो करना ही है। लेकिन सर हमने भी विकास सर को बिल्कुल फ्री माइंड से बिजनेस को कराया है। मैंने विकास सर से बोल दिया था कि आपको बिल्कुल भी घर के मामले में या घर के काम में की तरफ से बिल्कुल भी टेंशन ना ले, घर में मैं हूँ, जो भी काम बस विकास सर का है हम उसके लिए विकास सर को बोलते हैं, और जो काम हमें करना होता है मैं वो खुद करती हूँ, विकास सर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती बिजनेस के लिए। इसलिए सर मैं चाहती हूँ, विकास सर ठान लिया है कि अब तक मैं कभी भी जब विकास सर ने एटॉमिक बिजनेस को स्टार्ट किया था तो विकास सर ने ठान लिया था कि मुझे उस किनारे तक जाना ही है जहाँ तक अब तक मैं नहीं जा पाया हूँ। और अब मुझे लगता है विकास सर को देखे कि विकास सर को इंपीरियल बनना ही बनना है, और हम जल्द बन पाएंगे क्योंकि हमारी टीम का सहयोग हमारे साथ है, और हमारी टीम की जरूरत हमें जब भी है तो हमारे यही है सबसे बड़ा कारण इनके ऑटो सेल्स मास्टर का। यस यस, समझ लीजिए डॉक्टर एस कुमार सर, yes, sir. अगर आवाज आ रही है तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये कुछ बातें मैं बता दूं। बच्चे देखे हमने, ये बता नहीं रही है, मैं बता रहा हूँ आप जो इसने बड़ा चैलेंज कुछ बातें से तकलीफ डेली रियली, मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सरेआम बोल रहा हूँ कि मैंने इन लोगों को देखिए कुछ भी लगा लीजिए, अब बारी है। मैं मेरी वाइफ को बोल रहा हूँ कि वक्त का इंतजार करो, अब वहां तक पहुंचने वाले हैं, किसी हद तक पहुंच गए और आगे पहुंच जाएंगे। एक बात कही थी मेरी वाइफ ने कि आप जाओ अपना काम संभालो, घर को देखने की आवश्यकता नहीं है, और ये सच बोल रहा हूँ मैं आपको, दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं यहाँ तक पहुंचा, अगर ये घर नहीं संभाल पाती तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता, ये सच्चाई है। इनको वो चीजें नहीं दे पाए हम लोग अपनी लाइफ, मैं तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अब मौका आया है, अब मौका आया है, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और दिल से बोल रहा हूँ सर, हर कंडीशन में दिया है सर, बहुत कंडीशन साथ दिया है, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, बहुत बड़ा रोल है। कभी डिस्टर्ब नहीं किया सर मुझे, पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपना काम करो, कैसे भी करके अपना काम पूरा करो, और रात को 2 बज जाए 1 बज जाए कभी भी मेरे को 2-2.5 साल से ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना काम करो अपनी टीम के लिए कीजिए, क्योंकि हम जो कुछ भी है एक्चुअल में टीम की बदौलत है। तो थैंक यू सो मच निशा, राइट, आज मैंने तो थैंक यू बोला है। निशा जी थैंक यू वेरी मच, और वाकई में आपको जो स्टोर में जो आपके आपके मैं एक बात कहना चाहूंगी। यस यस निशा, मैं अपनी कामयाबी उसी दिन समझूंगी जिस दिन हमारी टीम कामयाब हो जाएगी, क्योंकि टीम कामयाब नहीं होगी। अब ये बोल दो कि डॉक्टर एस कुमार डायमंड बन जाए, विषम चौहान जी डायमंड बन जाए, राहुल राजेश बन जाए, ये बोल दो, भगवान अपना कर देगा। बिल्कुल सर, तो वो ये लोग आप लोग हमारी टीम से जो है सर, तो मेरा मानना तो यही है कि टीम कामयाब तो हमारी कामयाब। अच्छा एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं डॉक्टर एस कुमार की, निशा सुशील जी हैप्पी बर्थडे, सुशील सर का हैप्पी बर्थडे है, मैं सुशील सर आपको हैप्पी बर्थडे सर जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। सुशील जी को मैं अनम्यूट कर देता हूं, सुशील जी अनम्यूट, सुशील जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सुशील जी आप प्लीज बताएं, इतने आपको मैं देख रहा हूँ आप मीटिंग में बने हुए हैं, तो आप बताएं कि आज विकास गौतम जी और निशा जी की पूरे के पूरा कंप्लीट चर्चा एक थी, तो उस विषय में आपने क्या सीखा इस पूरे मीटिंग में, तो आप अपने शब्दों में बताएं।
सर इसको फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट हाफ में सर का जो ये कहना था कि उनकी टीम डाउनलाइन उनको डांटती भी है कभी कभी बहुत प्यार से, सर वो इस लाइन में इतना मिठास भरा हुआ है सर कि क्या बताया, किसी को शुगर हो जाएगा। और दूसरा जो मैडम बोली कि मैं बोल दी हूं इनको कि जो करना है करो, घर का चिंता छोड़ दो, सर जब माइंड इस टेंशन से दूर रहेगा सर तो विकास गौतम ही पैदा होते हैं, कोई और पैदा नहीं होता इससे, और इतना बड़ा सपोर्ट मिल जा रहा है। क्योंकि सर से मेरा पर्सनली बहुत बात होता है और सर का पहले का स्टोरी अगर सब लोग सुनेंगे तो लगेगा कि मैडम कहाँ कहाँ पे सपोर्ट की है इनको, और विकास गौतम को सर विकास गौतम बनाने में बहुत बड़ा हाथ मैडम का भी लगता है, क्योंकि जैसे सर खुद बोले कि हर परिस्थिति में वो सपोर्ट की है उनको, ये बहुत बड़ी लाइन है सर। और सच में अगर बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपका बेटर हाफ आपके हर सपने में जीना शुरू कर दे सर तो आप कोई सपना तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे सर की बात नहीं है सर, उनके नीचे इंपीरियल पैदा होने को तैयार हैं अब। तो थैंक यू मैडम आपका, थैंक यू सर। और सर डॉक्टर कुमार सर आपका तो कहना नहीं, आप ऐसा सा प्रश्न आज ठोके हैं और विकास को जवाब दे पाएंगे। सुशील जी, सुशील सर मैं एक बात बोलूं, मेरा जिंदगी में पहली बार फर्स्ट टाइम किसी इंसान ने मेरा इंटरव्यू लिया वो डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर कुमार सर का नाम मेरा सेव है क्योंकि पहली बार जब बात हुई थी तो इंटरव्यू मेरा होना था इसी पे बात हुई थी, तो मैं एटोमी इंटरव्यू डॉक्टर कुमार सर ऐसे करके मैं आज भी सेव है। सुशील सर मैं देखिए अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझ जैसे इंसान का इंटरव्यू सुशील जी डॉक्टर एस कुमार आपने लिया वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे मीटिंग के लिए किसी ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाना भी पसंद नहीं करते, उनको पता है 10-20 सवाल ठोक दो इसके ऊपर उल्टे सीधे। अच्छा आज मैं डरा हुआ था मैं बोला भाई सुशील जी आज मेरा कोर्ट में पेशी है, बोलो किसी कोर्ट में, मैंने कहा आपके में पता नहीं कहाँ फंसाओगे आप। सुशील जी रियली बता रहा हूँ मैं, ये फंसा ये मैं इन दोनों से वैसे एक चीज जरूर दिल से कहता हूँ, हर कंडीशन में हर हाल में विषम चौहान डॉक्टर एस कुमार अरुण मीणा मेरे भाई की तरह मेरे साय की तरह खड़े हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोग। आई एम लकी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, नमन है, हृदय से नमन करता हूँ। मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ यार, और विषम चौहान के घर गया हूँ मैं, भला मानस है यार। और विषम जी जितना आप नाम लिए भरोसा किया यार आपने हम पे यार, जितने लोगों का आप नाम लिए सर, हम लोग की बहुत छोटी टीम है, हम लोग लीजेंड वर्ड यूज करते हैं लोगों के लिए सर, आप लोगों के लिए लीजेंड, आप लोग उस समय से बिजनेस को ले रहे हैं सर जिस समय कुछ भी नहीं था, तो आज तो एक चीज और बोल दूं मैं, आज बड़ी दिल की बात बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं आज, जानते क्यों, क्योंकि विषम चौहान डॉक्टर एस कुमार सुशील जी राहुल राजेश अनु शर्मा ओपनली बोल रहा हूं, मैं नहीं डरता किसी से भी, जिंदगी मौसम नहीं डरता मैं, मेरे बीबी बच्चों को बोलता हूँ मैं नहीं डरता भाई, अब सेफ कर दिया परिवार, क्योंकि ऐसे योद्धा है आप अपनी जिंदगी में, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अब बहुत कुछ है। और मुझे देखिए मैं इंटरव्यू वगैरह मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सारा खेल ये विषम चौहान डॉक्टर एस कुमार ये क्या पता किस पत्थर को कहां मूर्ति बना दे यार, ऑटो सेल्स मास्टर कैसे बना जाता है, सच्चाई यही है इसके साथ ये लोग होंगे इंटरल मास्टर बना देंगे। आई लव यू डॉक्टर एस कुमार, आई लव यू विषम चौहान, आई लव यू अरुण मीना जी, आई लव यू सुशील जी, आई लव यू माय टीम। ठीक बोला ना मैं विषम जी, नाड़े लगी जरा, अब तुम इंग्लिश में बात करने लग जाओ, थोड़ा थोड़ा बोलते हो इंग्लिश में बात नहीं करते हो आप, मैं सीख रहा हूँ, मुझे इंग्लिश कम आती है। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा पूनम चौहान जी को, तो पूनम चौहान जी आप आए और
एक बार मीटिंग का सार आप बताएं कि आज की मीटिंग से पूनम चौहान जी ने क्या सीखा। पूनम जी, पूनम आज घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनमें और अब जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे हैं, तो अगर आप कुछ भी अगर आपने सीखा है तो प्लीज हैंड रेस करें और जो सीखा है सिर्फ उतना बता दें। सुशील जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशील जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड ये बर्थडे के बाद जो अगला बर्थडे आएगा आपका वो ऑसम होगा और बहुत बड़ा यू नो पिन होगा आपके पास में और बहुत सारी जिंदगियों को आप चेंज कर चुके होंगे। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एज फार एज आई नो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर, दिल से दिल से आपको बहुत बहुत यू नो बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, यस डेफिनेटली। और अब हमारे पास समय भी कम है तो हम लोग जो जो लोग हैंड अगर रेस करते हैं और जो सीखा सिर्फ वो बताएं। सरोज जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। सरोज मल्लिक जी। डॉक्टर कुमार सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। विकास सर 100 बार 1000 बार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। हाँ सरोज, आज की मीटिंग से हमने क्या सीखा आप बताएं प्लीज। मैं वही बताने जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है, जो कि टीम वर्क में रहना है, अपने से संपर्क रखना है, बहुत कुछ, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यार मोहब्बत में सबका साथ, प्यार में बिजनेस करना है, प्यार मोहब्बत का साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये जो सीखा है मुझे अच्छा लगा बहुत कुछ। विकास जी तो बहुत कुछ मीटिंग में सिखाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग में। थैंक यू विकास सर, श्रीवास्तव जी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सचिता एसपी चौरसिया जी, एसपी चौरसिया जी नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार। आज विकास जी के इंटरव्यू से आपने क्या सीखा आप एक लाइन में बताएं प्लीज सर। जी तो पहले तो मैं ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम सर के लिए पूरा डिजिटल क्लैपिंग चाहता हूं, क्योंकि आज इन्होंने बिल्कुल सभी के दिल में आग भर दिया है। और आपने बोला कि एक शब्द बताने के लिए, इन्होंने एक ही बात सही बताया कि अगर किसी भी आदमी से बात करते हैं तो उसको बोलना है कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो इस शब्द से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करें और बाल के बराबर भी शक नहीं होना चाहिए सर। ऑलरेडी टाइम डॉक्टर कुमार, ऑलरेडी टाइम हो चुका है और यस लास्ट नोट के लिए हम लोग बुला सकते हैं अगेन विकास जी को। यस यस, तो विकास जी हम लोग, विकास जी अगर आवाज आ रही हो आपको, विकास जी हम लोग मीटिंग के एंड पे हैं तो जैसा ओके एक लास्ट नोट दें सर, बिल्कुल अगर आप करें। ओके जी, मेरी आवाज आ रही है सर, वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ओके। मैं सभी को बस यही बात कहना चाहता हूं सर, देखिए सपने बड़े हैं तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देनी चाहिए और यहाँ पर कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करने वाले हैं, ये विश्वास अंदर से लेके जाइए। एटॉमी की शुरुआत नहीं हुई है ये सच्चाई है, और ना ही सही पूछो तो मायने में, सही मायने में हम लोगों की शुरुआत हुई, अभी शुरुआत होने वाली अगले कुछ महीनों के बाद, ये 3 से 5 महीने का जो टाइम बाकी है इसमें एटॉमी पूरे रिद्रम पे होगी और जो लोग लगातार प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे वो लोग कामयाब होंगे। और कुछ साथी कमजोर रह जाए, मैं एक ही बात बोलूंगा उनका, उनका हाथ पकड़ के साथ लेके चलेंगे। सही बात। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अरुण जी मेरी आवाज आ रही है, मैं एक बार फिर से पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच बिशम जी, थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू डॉक्टर एस कुमार जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी ये लोग आदेश करेंगे मैं भक्के आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज आपने बहुत वैल्यूएबल समय निकाला और हम
अगेन आपका नेक्स्ट टाइम फिर समय चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जिनसे आपको रूबरू कराना होता है. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू अरुण सर. थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत थैंक यू. इतना समय निकाला आपने और अपनी बातों से जितनी भी ज्ञान सबको दिया है कि करना क्या है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि पूरी टीम को आपका फायर ब्रांड मोटिवेशन चाहिए चाहिए, दिल में जुनून पैदा कर देता है वो. तो थैंक यू इसके लिए. टाइम ज्यादा हो चुका है इसलिए अब आज के लिए यहीं. अगेन फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी. धन्यवाद सर. जय हिंद सभी को. जय हिंद सर. जय हिंद. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बाय बाय. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद सर. थैंक यू विकास जी. थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती समय दिया. थैंक यू ऑल.